अविद्या में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में अहंकार ना रहने पर भी हम रहते हैं, हमारा स्वरूप अशरीरी है। जैसे भगवान अव्यक्त है, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनाम, और ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, अव्यक्त। ऐसे ही उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त निराकार है। अव्यक्त मूर्ति का अंश भी अव्यक्त मूर्ति ही होगा। ये शरीर तो भोगायतन भोगने का स्थान है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहकर कर्म फल भोगते हैं। इसलिए साधक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं अव्यक्त निराकार रूप हूँ, मनुष्य रूप नहीं हूँ। साधन करने वाला शरीर नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर में इतना फर्क पड़ गया कि पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। बचपन में मैं खेला करता था, बाद में पढ़ता था, वही मैं आज हूँ, शरीर वही।